हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कसौल में और नाइट पूरी स्किप कर दी हम लोगों ने। आखिरकार अब सुबह हो गया है और ये हमारे कैंप है। यहाँ पे हम लोग रात को आगे जला करके बैठे हुए थे। हालत ख़राब थी हमारी और अभी भी ख़राब है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितना टेम्परेचर है। अभी दिखाता हूँ, बिना कुछ किए ही हवा निकल रही है। पीछे आपको दिखाता हूँ, ये हंसी वादिया आ गए हम कहा। ये मेरे दोस्त लोग कपड़े सुखा रहे हैं और मैं ये नदी के किनारे मचा रहा हूँ। ये भाई है, ये अपने कपड़े सुखा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रात को मनाली में गीले हुए थे, अभी तक सूख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कपड़े सुखा रहे हैं भाई भाई। इनके रिवर राफ्टिंग में कपड़े गीले हो गए थे, कसौल तक सूख ही नहीं पा रहे हैं। इतनी सर्दी है और अभी सर्दी दिखाओ, इतनी सर्दी है यहाँ पे। और पीछे पीछे देखो, पीछे इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। हम दो आदमी है जो एक शर्ट पहनते थे, तीन तीन पहने फिर भी ठंडी लग रही है। लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मतलब बाकी सारी बात एक तरफ और यहाँ की खूबसूरती एक तरफ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, वो वाले माल से लेके वो वाले माल तक। क्या ये हंसी वादिया। अभी मैं बताऊँ आपको, ये वही पार्वती रिवर है जो क्रिस पिक्चर आपने देखी थी, उसमें जो वो फिशिंग से रिवर से फिश निकाल रहा था, ये वही वाली रिवर है। अरे अपना प्रियांशु भाई आई है, और क्या, ये वही रिवर है। हाँ, कसौल में शूटिंग हुई थी, कसौल में भी यही है। हाँ, एग्जैक्ट यही है, एग्जैक्ट यही। सॉरी मुझे ही छुपा रहा है, लेना चाहिए नदी में बह जाएंगे। एग्जैक्ट यही रिवर है जिसमें शूटिंग हुई थी। अभी कपड़े सुखाने डाले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। पता नहीं कितने बजे तक सूखेंगे, कुछ पता होता है नहीं यहाँ पे। हाथ नहीं लगाने का शूटिंग के टाइम पे। आराम को दूर तू। और फाइनली यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोगों को जाना है मणिकरण, यहाँ से मणिकरण जाएंगे। ड्राइवर अंकल को बोल दिया है 11 बजे तक वो आ जाएंगे, उसके बाद मणिकरण जाएंगे। वहाँ पे सुना है मैंने एक खूबसूरत सा झरना टाइप का है, वहाँ पर क्या है कि नहाने की व्यवस्था है। यहाँ पर नहाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। हाँ एक्चुअली कम है, बहुत ज़्यादा। हट जा, बहुत देर हो गई, सब लोग हाथ लगा के रह गए। हाथ लगाइए, दूर से। ये हमारे गगन भाई है, इनके भी कपड़े गीले हो चुके हैं। ये इन्होंने भी हट जा, बहुत देर हो गई। और ये हमारा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, कोई नहीं। खूबसूरती तो बार बार क्या। चलिए अब मिलते हैं मणिकरण में।